हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के। आज 15 मार्च 2020 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, हमारा ये करंट अफेयर्स MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन है। तो डेली करंट अफेयर्स ऐसा अपडेट और ऐसा कंटेंट आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो हमारे यूनिक कंटेंट के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब जरूर करें। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जीके। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, भावना ढेरिया किस राज्य की निवासी है जिन्होंने होली के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कौसियुस को फतेह कर लिया है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भावना ढेरिया जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कौसियुस को, जिसकी ऊंचाई लगभग 2228 मीटर है, वह फतेह कर लिया है। पर्वतरोही भावना ढेरिया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रहने वाली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य की रहने वाली है। भावना ढेरिया ने वर्ष 2019 में दिवाली पर तंजानिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किली मंजारो, जिसकी ऊंचाई है लगभग 5895 मीटर, पर भी तिरंगा फहराया है। यानी कि भावना ढेरिया ने 2019 में दिवाली पर तिरंगा फहराया था सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किली मंजारो पर, और अभी हाल ही में यानी कि होली के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कौसियुस्को पर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या टू, इनमें से किसने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR पहल प्रगति लॉन्च की है। ऑप्शन ए फेसबुक इंडिया ने, ऑप्शन बी ट्विटर ने, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम ने और ऑप्शन डी व्हाट्सएप ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक इंडिया ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी कॉरपोरेट पहल सामाजिक जिम्मेदारी प्रगति लॉन्च की है। जो फेसबुक प्रगति है यह एनकोर द न्यूड सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन द्वारा संचालित है, और जो इस पहल की से काम की शुरुआत करने वाली महिलाओं के लिए उद्यमिता शुरू करने और भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता और प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद मिलेगा। फेसबुक प्रगति द्वारा प्रत्येक गैर लाभकारी संस्था को अपना काम करने के लिए 50 लाख तक के 4 अनुदान प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या थ्री, माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए वर्ष 1974 में, ऑप्शन बी वर्ष 1975 में, ऑप्शन सी वर्ष 1976 में और ऑप्शन डी वर्ष 1977 में। साथियों, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1975, वर्ष 1975। साथियों, बिल गेट्स ने हवाला दिया है, यानी कि बिल गेट्स ने इस्तीफा किस कारण से दिया है? बिल गेट्स ने कहा है कि वह वैश्विक स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अपनी फिलान्थ्रोपिक प्राथमिकताओं के लिए अधिक समय समर्पित करना चाहते हैं, इसलिए वह अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। इसके अलावा बिल गेट्स ने बर्कशायर हैथवे इंक के बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया है, जहां वह 2004 से सेवा में थे। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के MD CEO कौन है? सत्यम नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या फोर,
किस टीम के खिलाफ खेलते हुए सौराष्ट्र ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बंगाल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल के खिलाफ खेलते हुए सौराष्ट्र ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। बात की जाए तो सौराष्ट्र ने बंगाल के खिलाफ पहली पारी में 44 रन की बढ़त हासिल करने के बाद अपना पहली रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। यह मैच ड्रॉ हो गया था, लेकिन रणजी का नियम है कि पहली पारी में जो बढ़त बनाएगा, यानी कि जो खिलाड़ी, जो टीम बढ़त बनाएगी, वह टीम विजेता घोषित कर दी जाएगी। जो यह प्रतियोगिता है, यानी कि रणजी ट्रॉफी जो प्रतियोगिता है, इसका नाम भारत के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, और जिन्हें रणजी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, किस राज्य की सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा सरकार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सरकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की है। यह महत्वाकांक्षी परियोजनाएं लखनऊ में शुरू की गई है, यानी कि लखनऊ से शुरू की गई है। और इन 3 महत्वाकांक्षी परियोजना कौन कौन सी है? एक है कौशल सतरंग योजना, दूसरी है युवा हब योजना, और तीसरी है मुख्यमंत्री अप्रेंटिस योजना। इसके अलावा, इसके साथ साथ यूपी सरकार ने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, पूर्व ओलंपिक चैंपियन दाना जेटो पकोवा का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थी? ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी भाला, ऑप्शन सी साइकिलिंग, और ऑप्शन डी कुश्ती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाला, ओलंपिक भाला चैंपियन दाना जेटो पकोवा। और दाना जेटो पकोवा 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में स्वर्ण जीता, और 1960 में रोम में ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता था। 1958 में उन्होंने 35 साल की उम्र में 55.73 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया, यानी कि 55.73 मीटर भाला फेंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। जो यह सुविधा है, यह डाक विभाग ने पश्चिम बंगाल सर्कल के कोलकाता के 2 डाकघरों में निःशुल्क डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की है, और यह शुरू की है साल्ट लेक सिटी के IT पोस्ट ऑफिस में और न्यू टाउन के एक्शन एरिया में के पोस्ट ऑफिस में। यह जो सेवा है, इस सेवा के तहत ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार डाकघर से अपना पार्सल एकत्र कर सकेंगे, और यह सुविधा यूरोपीय देशों में काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन भारत में इस सुविधा, यह जो सुविधा है डाक विभाग की, यह पहली बार शुरू हो रही है, यानी कि इसकी शुरुआत पहली बार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, कौन सी वस्तुओं को भारत सरकार ने अगले 100 दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए हैंड सैनिटाइजर, ऑप्शन बी मास्क, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क दोनों को भारत सरकार ने अगले 100 दिनों के लिए, यानी कि 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु, 30 जून 2020 तक इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है। यह दोनों मास्क 2-ply और 3-ply सर्जिकल मास्क और N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत लाया गया है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून 2020 तक इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश अधिसूचित किया है। यह जो कदम है, यह क्यों उठाया गया है, इसका उद्देश्य क्यों है? क्योंकि इसका उद्देश्य कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए इन वस्तुओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और इनके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना है। अभी हाल ही में
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को महामारी का रूप दिया है, यानी कि महामारी घोषित की है। तो उसके प्रसार, इस बीमारी के प्रसार को रोकने तथा इन वस्तुओं के प्रति लोगों को जागरूक करने और इनके इस्तेमाल को के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। अनुसूची आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन किया है और 30 जून 2020 तक हैंड सैनिटाइजर और मास्क, इन दोनों को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, इनमें से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन ए स्प्रीत सिंह, ऑप्शन बी मनन चंद्र, ऑप्शन सी पंकज अडवाणी, ऑप्शन डी सौरव कोठारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंकज अडवाणी ने। भारत के शीर्ष खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने फाइनल में महाराष्ट्र के स्प्रीत सिंह को 7-3 से हराकर यह चैंपियनशिप अपने नाम की है। पंकज अडवाणी ने कुल 34 राष्ट्रीय खिताब जीते हैं और यह उनका 34वां राष्ट्रीय खिताब है। पंकज अडवाणी जो है विश्व में सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 46वां, ऑप्शन बी 34वां, ऑप्शन सी 48वां, ऑप्शन डी 37वां। दोस्तों हाल ही में 100 देशों की समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 सूचकांक की रिपोर्ट दी गई थी। इसमें 100 देश शामिल थे जिनमें भारत को 46वां स्थान और पाकिस्तान 76वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 46वां स्थान भारत को मिला है। इस सूचकांक की बात की जाए तो इसमें पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। और वैश्विक स्तर पर यदि बात की जाए तो सबसे खराब 100वें स्थान पर बरंडी, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी और बुकीना फासो है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का करंट अफेयर्स जीके जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपना कमेंट जरूर करें, जो भी आपका कमेंट है अच्छा बुरा जैसा भी है, अगर बुरा कमेंट होगा तो हम हमारे वीडियोज़ को और अपडेट करेंगे, हमारे कंटेंट को और अपडेट करने की कोशिश करेंगे। आपका एक कमेंट हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा, अच्छा कमेंट भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा, बुरा कमेंट भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल UV कंपटीशंस को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें और UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।